ईस्ट इंडियन किचन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है, वह इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए सोयाबीन के कबाब। ये किसी गोश्त से कम नहीं होते, चाहे वो बड़े का हो या मटन का हो या फिर चिकन का हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की रेसिपी और आपको बताते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। देखिए कबाब, आप इस हरी चटनी, हर धनिया पुदीने की खट्टी वाली चटनी है, इससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको खा सकते हैं। इस कबाब को बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसको रोटी, पराठा, पूरी, किसी भी तरीके की रोटी से बनाकर सोयाबीन के बड़ियों के कबाब खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मॉल में आप बाहर न जाकर घर पर ही बच्चों को इस तरीके का खाना बनाकर खिलाएं। बस घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सब लोगों से मेरी यही विनती है। देखिए इन कबाब को आप चटनी के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप इस खा सकते हैं। चाहे बेसन की रोटी हो उससे भी अच्छी लगेगी, पूरी से भी बहुत अच्छी लगते हैं ये कबाब, और आप सिर्फ चटनी से भी। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। ये सोयाबीन के सीख कबाब हैं। तो देखिए हमने इसको 2-3 घंटे पानी में इसको बड़ियों को भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसको देखिए हमने इसका पानी निकाल दिया है, फिर भी थोड़ा सा है, और अब हम इसको इस तरीके से निचोड़ कर दूसरे बर्तन में रख देते हैं। इस तरीके से हम सारी बड़ियों को निचोड़ कर दूसरे बर्तन में रख देंगे। खूब दबा दबा का इसका पानी निकाल दें, क्योंकि अगर पानी इसमें रह जाता है तो कबाब अच्छे नहीं बनते। देखिए हमारा ये पानी हम हटा देते हैं और इसे अब लेते हैं हम एक मिक्सी का जार, और इसमें हमने ये ली है प्याज, एक छोटी सी प्याज है। प्याज ली है हमने, इसको रफली काट लिया है, और हमने ये 3-4 टुकड़े इसके अदरक के लिए हैं। अगर आपके पास पिसा हुआ अदरक है तो वो भी डाल सकते हैं। और हमने लिए हैं ये कुछ कलियां लहसुन की, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और हमने ये लिए हैं 5-6 हरी मिर्च, इसको भी इसमें ही डाल देते हैं। और इसमें लिया है ये हमने हरा धनिया, इसको हम पीस कर दिखाते हैं। देखिए हमने ये प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और धनिया जो था हमने इसको पीस लिया है। हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि पानी प्याज बहुत छोड़ती है। और हम डालते हैं ये बड़िए सोयाबीन की, इसको आधा ही आधा करके पीस लेते हैं। देखिए हमने इनको बड़ियों को पीस लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें डालते हैं ये फ्राई हुई भी ये प्याज। कच्ची प्याज
प्याज तो हमने डाली है, ये फ्राई हुई प्याज है। और इसमें डालते हैं हम ये गरम मसाला, इसमें काली मिर्च भी है, इलायची भी है, थोड़ा सा हमने ये दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा भी ले लिया है। और इसमें हम डालते हैं और इसको पीसते हैं। फिर देखिए हमने इसको भी, जो बड़ी रह गई थी इसको भी हमने पीस लिया है। इसको इसको भी निकाल देते हैं एक बॉल में। इसमें हम डालते हैं ये सूखे मसाले। हमने ये चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, इसको भी इसमें मिला देते हैं। एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, इसी को भी इसमें मिला देते हैं। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा हमने धनिया लिया है, और ये लिया है हमने भुना हुआ जीरा। इसको जीरो को भून लिया था और इसका फिर पाउडर बना लिया है। और इसमें लिया है हमने ये दो चम्मच बेसन। ये हमने खिले हुए चने थे, भुने हुए खिले हुए चने, उसको हमने पीस लिया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप बेसन की जगह भुने हुए चने पीस लें मिक्सी में और इसमें ऐड कर दें। तो चम्मच हमने चना के पाउडर लिया है भुने हुए चने का। दो चम्मच हम ये कॉर्नफ्लोर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह दो चम्मच मैदा भी ले सकते हैं या फिर अरारोट भी ले सकते हैं। बस इसको मिलाना है। इस तरीके से इसको मिला दें। और इसमें डाला है हमने ये नींबू, एक नींबू का रस लिया है, बीज हटा देते हैं इसके। इसको खट्टा सा का टेस्ट देने के लिए इसमें हमने नींबू डाल दिया है। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से देखिए हम इसमें एक चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर मिला देते हैं। फिर एक इस तरीके से पेंसिल लेंगे और इसको आपके घर अगर लकड़ी की सीख है तो उससे भी बना सकते हैं या लोहे की है उससे भी बना सकते हैं। मैंने आपको आसान तरीके से इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। क्या इस पेंसिल सभी के घर होती है, क्योंकि
इसे बहुत आसानी से पेंसिल से बन जाते हैं, इसीलिए हम आपको आसान तरीके से बनाना बता रहे हैं। और देखिए बस इस तरीके से ये हटा देनी है पेंसिल। इस तरीके से ये ले और फिर इस तरीके से से ये निकाल ले। इस तरीके से हम सारे कबाबों को बना लेते हैं। देखिए हमने सारे ही कबाब बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक एक कबाब हम इसमें डालते हैं। और इस तरीके से हम इनको पलट देंगे, ये थोड़ा सा ये गोल्डन इसका कलर हो जाए तो इसको पलट देते हैं। इसका कितना बढ़िया कलर, सभी कबाबों का बहुत अच्छा कलर आ रहा। और इन सभी को हम तरीके से सेक लेते हैं और भी डाल देते हैं हम, और कबाब इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से सारे कबाबों को सेक लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें कबाबों का। देखिए हम इन कबाबों को अब उतार लेते हैं जो हमारे फ्राई हो चुके हैं। सोयाबीन के कबाब फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं और इसके साथ हमने बनाई है ये हरी चटनी, खट्टी धनिया पुदीने की चटनी है खट्टी वाली, जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए हमारे कितने गुड लुकिंग कबाब, खाने में इसका कोई लाजवाब नहीं है, लाजवाब है ये। बनाने में बहुत आसान, इस लॉकडाउन में आप बाहर का कबाब ना खाकर आप घर पर ही इस तरीके से सोयाबीन के कबाब बनाकर खा सकते हैं। अगर हमारी आपको
सोयाबीन के कबाब बनाने की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।